80 का दौर वो दौर था जिसमें लाखों अभिनेत्रियों ने अपनी फिल्मों में राज किया था और अपने किरदारों को बखूबी उतारते हुए उन्होंने तरक्की को हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, आप पुराने जमाने में काम करने वाली सभी एक्सीलेंट अभिनेत्रियों के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप कभी इनके प्यारे प्यारे बच्चों से रूबरू हुए हैं जिन्हें ये अपने सीने से लगा कर रखती हैं और वो भी अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं? अगर नहीं तो आइए आपको 80 के दशक के बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली अभिनेत्रियों के आदर्श बच्चों से मिलवाते हैं। नंबर 1, अनु अग्रवाल। आज की फिल्म से घर घर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल के रियल लाइफ चाइल्ड की अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि इनके भी ये शादी नहीं हुई है, इसलिए इनके कोई बच्चे भी नहीं है। दरअसल एक कार एक्सीडेंट होने के चलते ये अपनी जवानी और खूबसूरती पूरी तरह से खो चुकी है, जिस वजह से अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। नंबर 2, निरूपा रॉय। अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक अच्छी माँ होने का फर्ज पूरा करने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय के रियल लाइफ बच्चों का नाम योगेश और किरण रॉय है, जिनकी कुछ ही तस्वीरें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। नंबर 3, मौसमी चटर्जी। रोटी कपड़ा और मकान फेम एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी आज दो खूबसूरत बेटियों मेघा और पायल मुखर्जी की माँ है। आपको बता दें कि जहां इनकी बेटी मेघा आज इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं इनकी दूसरी बेटी पायल मुखर्जी एक एक्ट्रेस हैं, जिनसे एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी बहुत प्यार करती हैं। नंबर 4, चांदनी। सनम बेवफा फिल्म में अभिनेता सलमान खान की हीरोइन बनी अभिनेत्री चांदनी के रियल लाइफ बच्चों की बात करें तो इनकी दो बेटियां करिश्मा और करीना हैं, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। नंबर 5, जया प्रदा। बॉलीवुड की अधिकतर पारिवारिक फिल्मों में अच्छी माँ के रूप में अपने ऑन स्क्रीन बच्चों पर लाड प्यार जताने वाली अभिनेत्री जया प्रदा की असल जिंदगी में अपनी कोई संतान नहीं है, पर इनका गोद लिया हुआ एक बेटा है जिनका नाम है सिद्धू, जिनकी शादी हो गई है और ये उन्हें अपने खुद के बेटे की तरह मानती हैं। तो दोस्तों, किन अभिनेत्रियों के बच्चे आपको पसंद आए आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।